केजरीवाल जी ने एक इन्हें पत्र दिया था, ये दिया कब है आपको, 2019 में, आज 2022 हो चुकी है, मगर झुग्गी वालों को मकान नहीं मिला, नहीं मिला। मेरी जिम्मेदारी है आप सब लोगों को पक्के मकान बनवा के दूंगा, इज्जत की जिंदगी दूंगा, ऐसी जिंदगी दूंगा आपको फकर होगा कि आप हम अच्छे घर में रह रहे हैं। ये केजरीवाल जूम करें, मुख्यमंत्री आवास योजना मेरा घर प्रमाण पत्र, वहाँ भी मतलब शादी कर देंगे, वहीं बना के दे देंगे, बस कहीं ना केजरीवाल जी को वोट दे दिया, देना तो पड़ेगा भाई साहब, कुछ वादे करते तो निभाना तो पड़ेगी। उन सालों उन्होंने वादे किए निभाए नहीं, हमने तो वादे किए तो निभाए, वोट डाल दिया, बस हमारे जो करते हुए थे वो कर दिया हमने। ये तो बच्चों है, यही प्रमाण पत्र दे के, प्रमाण पत्र बांटे गए, आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र बांटे गए हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान मिलेगा, प्रमाण पत्र दे दिया, मगर मकान दे दे वो शायद केजरीवाल जी भूल गए कि इनको मकान भी देना, मैंने वादा भी किया है, तो मकान भी देना चाहिए ना उनको, वादा किया तो केजरीवाल ने बोला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और आपको मकान भी मिलेगा, कोई भी आए तो उसको दिखा देना। जैसे आज मैंने सर्टिफिकेट दिए है ना, ऐसे ही प्रोग्राम करके हमने उनके फ्लैट की चाबी उनके हाथ में दी थी, भाई साहब उनकी आंखों में आंसू थे, एक नहीं है सारी झुग्गी वालों को बोल रखा है। आपको भी वादा किया केजरीवाल पक्के मकान का, मैं तो भाई जी किरायेदार आदमी, किरायेदार आदमी किराया भरता हूँ, और इधर है ना बूढ़े हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई, पर अभी तक प्लाट नहीं मिला इधर हमको, ऐसे ही सड़ रहे इधर झुग्गी के अंदर। मेरी जिम्मेदारी है आप सब लोगों को पक्के मकान बनवा के दूंगा, इज्जत की जिंदगी दूंगा, ऐसी जिंदगी दूंगा आपको फकर होगा कि आप हम अच्छे घर में रह रहे हैं। 3 साल पहले केजरीवाल ने कागज बांटे थे मकान मिलेंगे, उसका क्या हुआ? वो खाली ऐसे ही बोल के रख दिया है, वो बनाते है ना बलून, वो बना के फेंक दिए, वो कागज काम नहीं आए, कोई काम नहीं आए, सब बोलू। ये था इन झुग्गी वालों के साथ आज हमारी आज की खास मुलाकात, दोबारा फिर आएंगे इन झुग्गियों वालों के पास, पूछेंगे क्या हमारी खबर का कोई असर हुआ या ये खबर एक खबर बन के रह गई। देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।